for Sushant. Arnab, we love you. We love Republic TV. दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस केस का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। सुशांत का परिवार और फैंस लगातार एक्टर के लिए अलग अलग तरह के कैंपेन चला रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वही जब कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एम्स ने सुशांत की मर्डर की थ्योरी को खारिज करते हुए ये साफ साफ कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। दोस्तों आपको बता दें, इस बात पर सीबीआई ने भी अपनी सहमति जताई थी। इसके बाद से केस की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। सुशांत के परिवार वालों और फैंस ने अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए मन की बात के जरिए इंसाफ दिलाने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर नई मुहिम के जरिए अपने भाई को न्याय दिलाने का फैसला किया है। उन्होंने मन की बात को पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि श्वेता ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, न्याय और सच के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का एक अच्छा मौका है। हम इसके जरिए एकजुट रह सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जनता न्याय का इंतजार कर रही है। मैं अपने इस परिवार को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे हैं। दोस्तों सुशांत के फैंस मन की बात से 14 अक्टूबर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, आप मन की बात के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना मैसेज रिकॉर्ड करके या मैसेज करके भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट में मैसेज करके पीएमओ और उससे जुड़े हुए अकाउंट हैंडल्स को टैग करना है। जाहिर है कि सीबीआई के बाद अब फैंस की उम्मीद पीएम मोदी से बंधी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत की फैमिली और उनके चाहने वालों का कहना है कि सुशांत की हत्या की गई है, जिसको लेकर न्याय की गुहार अभी भी लगाई जा रही है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुशांत के लिए होर्डिंग के जरिए इंसाफ की मांग लगाई जा रही है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।